एक ऊपर एक नीचे। उस तरफ से बंदा नहीं आएगा। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में, और अभी मैं हूँ शिप के अंदर। आज मैं आपको शिप के अंदर जो कमरे होते हैं जिनको क्रू केबिन बोलते हैं, जो क्रू के होते हैं वो क्रू केबिन, जो पैसेंजर के होते हैं उनको बोला जाता है पैसेंजर केबिन, रूम नहीं बोलते हैं केबिन बोलते हैं। तो पूरा केबिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, कैसा वॉशरूम होता है, कैसे बेड है, सब कुछ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा क्रू एरिया दिखाता हूँ। जो भी आपको ये दिख रहे हैं ये क्रू केबिन्स हैं। जैसे नंबर नंबर्स लिखे होंगे, आप देखिए ये नंबर्स लिखे हैं, तो ये सारे क्रू केबिन हैं। और ये पूरा क्रू कॉरिडोर बोलते हैं इसको। तो इनमें से किसी रूम में आपको मैं लेके चलूँगा, पहले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको आगे तक। बहुत बड़ा एरिया होता है ये, देखिए सारे क्रू केबिन्स हैं। ये लोअर डेक में है इसलिए यहाँ पे वाटर टाइट डोर है। अगर अपर डेक में होता तो वाटर टाइट डोर नहीं होता, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। देखिए ये सारे केबिन हैं, ऐसा भूल भुलैया जैसा रहता है, यहाँ से जाओगे वहाँ से निकलोगे, वहाँ से जाओगे वहाँ से निकलोगे, इस तरह का रहता है। यहाँ से तुम वहाँ तक हैं, देखिए आगे हैं, इस तरफ को हैं। ये फिर से स्टेयर्स आ जाएंगी ऊपर जाने के लिए। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर वाले डेक में जाने के लिए, ये नीचे वाला डेक है। तो आपको किसी एक केबिन में लेके चलूँगा मैं। तो जैसे मेरे पीछे आपको एक केबिन दिख रहा है, इस केबिन के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरा दिखाऊंगा अंदर से कैसा होता है। सबसे पहले जो आपका एक क्रू कार्ड होता है या फिर आपके पास केबिन की होगा, उस की को आपने इसके अंदर इंसर्ट करना होता है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे इसमें लाइट जलेगी, उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं। एक्चुअली अभी खुला है, फिर आपका इस तरह का केबिन रहेगा। देखिए ये जो है शेयरिंग केबिन है, ठीक है, इसीलिए इसमें दो बेड है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले बेड में कोई दूसरा बंदा रहेगा और नीचे वाले बेड में कोई दूसरा बंदा रहेगा। और ऊपर वाले बेड में जाने के लिए होती है सीढ़ी, वो सीढ़ी आपको लगानी होती है यहाँ पे। ये देखिए जगह बनाई हुई, ये जो लॉक है इसमें आपको फंसानी होती है इस तरह से। और इसके नीचे आप सामान रख सकते हैं, जैसे लगेज वगैरह रखा है, ठीक है। दो लोगों का रूम है तो दो चेयर मिल जाएंगी, और ये ड्रॉअर वगैरह रहता है, जैसे इसमें सामान वगैरह रहेगा ड्रॉअर्स में, जो भी है अपना पर्सनल सामान रखो, ठीक है। टेलीफोन यहाँ पे मिल जाता है कॉल वगैरह करने के लिए। ये रहा स्पीकर, ये आपका टीवी वगैरह में जो भी आपको देखना है। बाकी यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पे सामान रख सकते हैं, ऊपर यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। ये रहता है दो लोगों का। इसके अंदर भी देखिए ये पूरा सामान, एक ये लॉकर मिलता है, ठीक है। इस लॉकर में आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं, पैसे वगैरह ज्वेलरी जो भी आपको रखनी रख लो, उसके बाद लॉक मार दो। और हर केबिन में दो लाइफ जैकेट होंगी, दो क्रू मेंबर हैं तो दो लाइफ जैकेट, एक ही क्रू मेंबर का केबिन तो एक लाइफ जैकेट होगी इमरजेंसी के लिए। ड्रिल वगैरह हो या इमरजेंसी हो, आपने इसको निकालना है, पहनना है और जाना है। और यहाँ पे आप कपड़े वगैरह अपने हैंग कर सकते हैं, इस तरह का रहता है पूरा। और नीचे भी ड्रॉर हैं, यहाँ पर सामान रख सकते हैं, यहाँ पर भी दो तीन ड्रॉर आपको मिल जाते हैं। वैसे हर शिप का अलग अलग केबिन होता है, अलग अलग डिज़ाइन होता है, बट ये थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इस तरह का होगा मोटा मोटा। बाकी ये डस्टबिन और ये झाड़ू वगैरह साफ़ करने के लिए अपना केबिन वेबिन, यहाँ पे भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं, जैसे रखा हुआ है ये। एक इस तरह का सिंक मिल जाता है, यहाँ पर भी है ट्रिमर वगैरह लगाने के लिए, अगर शेविंग वेविंग करनी है तो ट्रिमर के लिए दिया हुआ है। और इसके अंदर भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं अपना, जो भी सामान है। और यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिल जाती है, जब आप शेविंग वगैरह कर रहे हो तो ये लाइट जल जाएगी, ऐसे इसको पुल करना है, देखिए उजाला हो जाएगा, ठीक है। चेयर दिखा दी, नीचे भी काफ़ी स्पेस होता है बैठ के, ये देखिए सामान रखने के लिए स्पेस अच्छा खासा रहता है बैठ के नीचे भी। उसके बाद यहाँ भी स्पेस है, देखिए इसको बाहर निकालना है अपने, इसको खोलना है, ये देखिए इसके नीचे भी सामान रखना है, आप कुछ भी रखते हैं, छोटा मोटा सामान जूते वगैरह रख सकते हैं, और नहीं तो जूते आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये शू कबड्डी है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए ये शूज़ रखने के लिए, आपका जूते वूते रख लो, इसमें सॉक्स वगैरह कुछ भी आपको जो अपना सामान रखना है वो आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ मिल जाता है।
डस्टबिन हो गया, ये सब क्लीनिंग मटेरियल आपको केबिन वगैरह क्लीन करने में काम आएगी, इस तरह का रहता है। और यहाँ पे देखिए ये जो स्विच है ये केबिन की लाइट के लिए होता है, इसको आप दबाएंगे, ये देखिए लाइट आ, इस तरह का रहता है। और यही चीज़ आपके बेड के वहाँ पे भी रहता है, अगर आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर देंगे तो इस तरफ को ये देखिए यहाँ पे बेड में आपका यहाँ से लाइट रहता है, उजाला हो गया ये देखिए। और यहाँ पे भी आपको स्टडी लैम्प या लाइट इसको बोल सकते हैं, ये भी आपको मिल जाता है एक। और यहाँ पे जो बंदा लेटता है उसको ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है, सॉरी पहले लाइट जलाता हुआ, ये देखिए कुछ इस तरह का उसको देखने को मिलेगा जब वो यहाँ से लेटेगा, क्योंकि ऊपर एक बेड और है, ऊपर बंदा होगा कोई। और यहाँ से व्यू ऐसा रहेगा, सामने टीवी वगैरह रहती है। और इसके नीचे भी सामान रखने के लिए होता है, यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे भी स्पेस रहता है, देखिए अच्छा खासा सामान इसके अंदर भी आ ही जाता है। उसके बाद अपना पिल्लो रख लो यहाँ पे, बेड भी ठीक ठाक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है। तो ऑलमोस्ट आपको केबिन तो मैंने दिखा ही दिया है। और केबिन के अंदर क्या होता है, ये होता है मेन वेंटिलेशन, यहाँ से देखिए हवा आ रही होगी, एक सेंटर लाइट हो गई, ये स्मोक डिटेक्टर है, क्योंकि आप केबिन में स्मोक वगैरह नहीं कर सकते। और गलती से भी कभी आप ऐसी चीज़ केबिन में फायर वगैरह कुछ भी ना करें जिससे कि स्मोक हो, ये डिटेक्ट कर लेगा। और बाकी ये वाटर स्प्रिंकलर है, जैसे कुछ भी अगर होता है, जैसे आग वगैरह लगती है, थोड़ी भी हीट यहाँ पे लगती है, तो यहाँ पे एक पिन होती है वो टूट जाएगी और पूरा पानी फुहार की तरह आने लग जाएगा पूरे केबिन में। तो इन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी होती है इन सब चीज़ों में। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो होता है यहाँ पे देखिए ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है। जैसे इसके अंदर वॉशरूम है, ये वॉशरूम की लाइट है, इसको दबाने से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप लाइट को वॉशरूम, और यहाँ से लॉक कर सकते हैं अपना वॉशरूम। जैसे आप वॉशरूम से बाहर आए इसको लॉक कर दो, ठीक है। वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, इसके बगल में ही होता है। जैसे ये वॉशरूम है, ये देखिए लाइट ऑन ऑफ हो रही ना, ओके। तो अगर आप वॉशरूम के अंदर हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसको आप यहाँ से ऑक्यूपाइड कर लो। इसको जैसे आप प्रेस करेंगे ऑक्यूपाइड, तो ये देखिए यहाँ लाइट जली है, तो इसका मतलब जो भी बंदा होगा उसे पता लगेगा कि अंदर कोई बंदा है, ठीक है। और जैसे आप वहाँ से बाहर निकलें तो आप इसको फिर ऑक्यूपाइड को ऑफ कर दें। और बाथरूम के अंदर आपको जैसे ये तो वो हो गया आपका वेंटिलेशन का, यहाँ पे मिल जाता है कपड़े वगैरह ढकने के लिए, जो भी आपने करना है यहाँ भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, बहुत रहता है स्पेस के अंदर भी। ये शावर कर्टन हो गया, ठीक है, जब आप नहाए तो इसको आप इस तरह से बंद कर सकते हैं ताकि पानी उस तरफ ना जाए, क्योंकि शावर कुछ इस तरह का रहता है, गर्म और ठंडा पानी के लिए। सोप वगैरह वहाँ पर रख सकते हैं आप, शावर है, हैंड शावर भी बन जाएगा आपका, और ऊपर भी आप लगा सकते हैं, और हाइट चाहिए तो आप इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। और ये जो चीज़ आपको बेल जैसी लग रही है, बेल नहीं है एक्चुअली, ये हैंग करने के लिए कपड़े वगैरह, इसको यहाँ से ऐसे पुल करना होता है, और इसका रहता है लॉक यहाँ पे इस तरह से, ये देखो अभी बन गया, इसमें आप अपने कपड़े टांग लो। और वैसा ही आप इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है, कभी आपको केबिन में कपड़े वगैरह सुखाने हैं तो। वैसे तो क्रू लॉन्ड्री होती है, क्रू लॉन्ड्री में जाके आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने धोए हैं कच्चे बनियान तो आप इसमें सुखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा ऐसा रहता है, यहाँ पे साबुन वगैरह रखने के लिए मिल जाएगा छोटा सा। और इस तरह का कुछ वॉशरूम है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस वाले केबिन में हूँ, तो उस वाली उस तरफ को भी केबिन रहेगा सेम, जैसे इसको खोलेंगे हम उस तरफ को जाएंगे तो वहाँ पे भी केबिन होगा, वहाँ पे भी दो लोग रहेंगे और यहाँ पे भी दो लोग रहेंगे, लेकिन वॉशरूम का एक ही रहेगा, इसे बोलते हैं शेयरिंग केबिन, ठीक है। और कई केबिन्स में क्या होगा, ऐसे ही टू बेड होंगे, दो लोग उसमें रहेंगे बट बाथरूम एक ही होगा, उस तरफ से बंदा नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ केबिन्स में क्या होगा, एक बंदा रहेगा, एक वॉशरूम रहेगा, पर्सनल केबिन, इस तरह का अलग अलग केबिन रहते हैं बहुत सारे। और हर शिफ्ट में आप जाओगे तो अलग अलग आपको केबिन्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से आप लॉक कर लो और उसके बाद जो करना है अपने केबिन में आप करो। और केबिन से बाहर जाएंगे अगर, तो आसपास मैंने दिखा दिया था आपको, पूरे केबिन्स रहेंगे और ऊपर जाने के लिए आपको स्टेयर मिल जाएगी, ये आसपास पूरे केबिन है।
और जैसे आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी केबिन रहेंगे। फिर सेम रहेगा, सेम पूरा भूल भुलैया रहता है। देखिए ये जैसे खाली एरिया आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आप अपने दोस्त के साथ बैठ सकते हैं, बाल वगैरह काटने हैं बाल काट लो, बातें करनी है, गप्पे मारने हैं, क्योंकि देखो केबिन में कोई बंदा दूसरा रहेगा, कोई दूसरा बंदा है तो डिस्टर्ब होता है कई बार, तो इधर बैठ जाओ आराम से दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, चेयर लगा लो, बैठते हैं ऐसे। और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ भी होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, रिमोट कंट्रोल फायर डैम्पर है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ऑथराइज पर्सन ओनली, इसके अंदर ये खुलेगा भी नहीं दरवाज़ा, इसमें लॉक रहता है अंदर से। और पूरे शिप में लाइट 24 आवर जलते रहती हैं, ये ऑफ नहीं होती हैं, जो लाइट आपको दिख रही है, अगर ब्लैक आउट हुआ तो आप इस साइन को देख के, और नीचे जो आप स्ट्रिप दिख रही है आपको, इसमें लाइट जलती है, उसको फॉलो करते हुए एग्जिट कर सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे फिर आपको केबिन्स और गैंग में मिलेगा। ये शूज़ वगैरह पॉलिश करने के लिए देखिए मशीन लगी हुई है यहाँ पे। तो मैंने आपको पूरा क्रू केबिन टूर दे दिया है, आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।